भाई क्या सनसेट है। पापा ही चला रहे हैं गाड़ी और अभी हम जा रहे हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी फिलहाल हो रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अब उठा हूँ। अभी उठ के मैं नहाया धोया हूँ, फटाफट मैं चावल की तैयारी कर रहा हूँ। अभी चावल छाट रहा हूँ, मतलब इसमें से कंकर पत्थर वगैरह अलग कर रहा हूँ। इसे फिनिश करने का मिलता हूँ आपसे सीधा। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक मैं रेडी हो चुका हूँ। अब फटाफट कर लेते हैं नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि जाना है मम्मी से मिलने, फिर वापस जाएंगे हम। गाइस आज नाश्ते में तोरी की सब्जी और परोठे लगे हुए, तो फटाफट खा लेते हैं इन्हें। तो गाइस फाइनली मम्मी के लिए हो गया लंच पैक, फटाफट करते हैं पैक और निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। पापा ही चला रहे हैं गाड़ी और अभी हम जा रहे हैं मम्मी से मिलने, हॉस्पिटल जा रहे हैं हम। फाइनली पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, कर रहे हैं लिफ्ट का वेट, लिफ्ट आने वाली है, फिर जाते हैं सीधा। खुल चुकी है लिफ्ट, ओपन हो चुके हैं, जाए ऊपर। फाइनली पहुंच चुके हैं मम्मी के पास, मम्मी से पूछते हैं मम्मी की तबीयत कैसी है। तबीयत कैसी मम्मी जी आपकी? अच्छी नहीं। कैसे हंस रही है मम्मी? अच्छी नहीं है बता रहे, फिर हंस रही है। ये देखो, चलो फिर ठीक है, मिलते थोड़ी देर में आपसे, घर जाते हैं। फिलहाल निकल रहे हैं हम घर के लिए और मम्मी को कहते हैं बाय बाय, बाय बाय मम्मी जी। तो निकलते हैं फिर घर के लिए, मिलते हैं बाहर। पहुंच चुके हैं हम घर, मैं आ रखा हूँ थोड़ा बाथरूम में, जा रहा था बहुत तेज सुसू, तो फटाफट वॉशरूम करते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा देर आराम करूँगा, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो आराम करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ सीधा आपसे जब मैं उठता हूँ तब। सोचा अगर सोना ही है तो खाना खा के सो लेता हूँ। तो आज खाने में हमारे पास है दाल चावल और तोरी की सब्जी और सैलेड, तो फटाफट खाना फिनिश करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं जब उठूँगा तब। गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:44 और मैं अभी सो के उठा हूँ, मेरी नींद अभी खुली है। फटाफट मुंह वगैरह फ्रेश करते हैं, फिर जाते हैं दूध लेने, मुझे जाना है दूध लेने। फिर दूध लेने आने के बाद मुझे करना पड़ेगा खाने की तैयारी रात की, क्योंकि पापा सो रखे हैं, मम्मी तो हॉस्पिटल में, पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा मम्मी हॉस्पिटल में। तो फिर फटाफट करते हैं खाने की तैयारी और मिलते हैं फिर। वेट टेकिंग मिल्क, भाई क्या सनसेट है, एंजॉय द सिनेमैटिक्स। गाइस रात के कुछ 8 बजने वाले हैं, मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा मतलब बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा चौक की तरफ टहलने, अकेला ही हूँ। आगे से मेरा दोस्त मिलेगा एक आकाश, तो उसके साथ जा रहा हूँ टहलने में थोड़ा सा, उसको सामान भी लेना है, मैं भी ऐसे घूम लूँगा थोड़ा सा, तो बाकी मौसम देखो इधर एक बार। 8 बजने वाले हैं और ठीक ठाक ही हो रहा है मौसम इधर का, चलो मिलते हैं सीधा थोड़ी देर में घर पहुँचने के बाद। गाइस फाइनली मतलब मैं घर पहुँच चुका हूँ और फटाफट कर लेते हैं डिनर, टाइम हो रहा है कुछ 9 बजने वाले हैं, फटाफट कर लेते हैं डिनर, उसके बाद सोते हैं। मुझे आ रही है नींद बहुत तेज, दिन में भी सोया था घर पर, मुझे अभी भी नींद आ रही है, थकान सी हो रखी है पता नहीं क्यों। तो डिनर दिखाता हूँ आज डिनर में क्या है हमारे पास। आज डिनर में हमारे पास चावल, उड़द और राजमा की दाल और आलू और मटर, तो फटाफट से फिनिश करते हैं, बाकी तोरी की सब्जी भी है। गाइस मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है, मैंने डिनर कर लिया है, बर्तन भी धो दिए, अब मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे आ रही है बहुत तेज नींद। गुड नाइट फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट व्लॉग, बी हैप्पी एंड बी सेफ।